हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और COVID-19 से सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियोज़ में कुछ और नए ब्लाउज़ कलेक्शन लेके आई हूँ जो मैं आपको शो कर। तो फ्रेंड्स, मेरे आज की वीडियो का फर्स्ट ब्लाउज़ है दिस वन। इसकी जो बैक है वो थोड़ा सा स्टार शेप में बनी हुई है। इसकी कटिंग इसी टाइप में की है, स्टार टाइप में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने टेलर से स्टिच करा सकते हैं। और इसका जो फ्रंट है वो सिंपल ही है, बट ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। इस तरह का जो नीचे अलग से जो लगा होता है वो उसे बेल्ट वाला ब्लाउज बोलते हैं। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और शॉर्ट स्लीव्स है। साड़ी के साथ का ब्लाउज है, इसलिए ये जो लेस लग रही है ये इस पूरी साड़ी में ऐसी है, इसलिए इसको दिया है। बैक में और फ्रंट में लेस नहीं है। बैक साइड स्टार शेप है, तो सिंपल होते हुए भी थोड़ा सा यूनिक लगता है। तो ये था आज का फर्स्ट ब्लाउज। सेकंड ब्लाउज है फ्रेंड्स ये वाला। इसका जो फ्रंट है वो सिंपल ही है, अगेन वही बेल्ट वाली ब्लाउज है, शॉर्ट स्लीव्स है, बट इसका बैक थोड़ा सा यूनिक है। ये एक साड़ी के साथ का ब्लाउज है और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये साड़ी में से काट के और इतनी मतलब कि 3-4 इंच की ये पट्टी मैंने साड़ी में से काट ली थी। जहाँ फॉल लगाते हैं उस साइड से एक लंबी सी पट्टी काट ली थी। पट्टी को काटने के बाद में ऊपर और नीचे दोनों साइड ये पिको करवा लिया था। पिको करवाने के बाद में और बीच में मैंने इसे डिज़ाइन बो की जैसे ये डिज़ाइन लगवाई है इसमें, तो ये काफ़ी ना स्टाइलिश लगता है, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और इसके बीच में मेरे पास ये ना रिंग रखे थे, ये लकड़ी के रिंग हैं, तो वैसे ही आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। तो मैंने बीच में ये रिंग लगवा के दोनों बो को कनेक्ट करवाया है, तो बहुत ही अच्छा स्टाइलिश सा लगता है पहना हुआ। बैकलेस लगता है बट बैकलेस है नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी साड़ी के साथ में उसके मैचिंग का मटेरियल, जैसे ये पूरी साड़ी मेरी फ्लावर प्रिंट की थी और इसमें ब्लू कलर ज़्यादा था, तो इसीलिए मैंने ब्लू कलर का ये रूबिया का जो ब्लाउज पीस आता है वो ब्लाउज पीस लिया और साथ में मैंने साड़ी में से सिर्फ 3-4 इंच की पट्टी कटवाई और उसे दोनों साइड से पीको करवा के और बीच में ये डिज़ाइन लगवाई, तो बहुत अच्छा यूनिक सा लुक है। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आई होप मेरे डिज़ाइंस आपके काफ़ी काम आएंगे। मेरा थर्ड ब्लाउज है ये फ्रेंड्स से सिंपल ही है। तो फ्रेंड्स, ये अभी ना हुक्स लगी नहीं है, मैंने इसे बुटीक से बीच में मंगवा लिया आप लोगों को डिज़ाइन शो करने के लिए। बस ये डिज़ाइन कम्प्लीट ही हुआ था, इसके हुक्स वगैरह भी सब लगने हैं, तो लेकिन मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने बीच में मंगवा लिया। और ये शॉर्ट स्लीव्स है और बैक साइड में इसका डोरी जो लग रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लग रही है। ये जो मेरी डबल शेड साड़ी के साथ का ब्लाउज है फ्रेंड्स, अगर आप मेरी साड़ीज भी साथ में देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको साड़ी का कलेक्शन भी शो करूँगी। तो ये मेरी डबल शेड की साड़ी के साथ का है, तो उसमें दो कलर थे, तो मैंने दो तरह की ब्लाउज पीस ली इसमें। रूबिया की जो ब्लाउज पीस आती है तो मैंने दो कलर यूज़ किए, एक से तो ये ब्लाउज स्टिच कराया, दूसरे से मैंने ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये वाला इस तरीके से डिज़ाइन बनवा के और बीच में मैंने बो लगवाई है इस ब्लू कलर की, और यहाँ पर मैंने दो डोरी लगवाई है ऊपर और नीचे। इन दोनों डोरी को मैंने बांध के और बो बनवाई है और साथ में ये घुंघरू आते हैं मार्केट में छोटे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का फोर्थ एंड लास्ट ब्लाउज़ है दिस वन। ये मेरी सिल्क की साड़ी का ब्लाउज़ है और इसमें ये जो स्लीव्स है वो 3/4 है, एल्बो के थोड़े नीचे तक आती है, 3/4 स्लीव्स है। वही इसका फ्रंट तो सिंपल ही है बट इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम था, तो जो ब्लाउज पीस पे जो बॉर्डर आता है वो फ्रंट में देना पड़ा और थोड़ा सा कपड़े को इस तरीके से काटना पड़ा साइड से, और वही बेल्ट वाली ब्लाउज़ है ये। और ये जो लेस है वो साड़ी से मैच करती हुई अलग से मंगवा के लगवाई है, ये देखिए बैक में और फ्रंट में।
और ये जो नेक है वो बेसिकली इसे ग्लास नेक बोलेंगे, ग्लास की शेप में नेक है। एक मिनट में आपको ये डोरी हटा के दिखाती हूँ। पहले मैं एक बार आपको डोरी शो कर देती हूँ। ये डोरी मैंने लगवाई है और इसके साथ में एक गोल्डन टसल्स इसीलिए लगवाई है क्योंकि इसमें थोड़ा सा गोल्डन वर्क है साड़ी में, तो इसलिए गोल्डन डोरी के साथ में गोल्डन टसल्स लगवाई है। अब मैं डोरी खोल के एक बार इसका लुक दिखाती हूँ आपको ब्लाउज़ का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लास की शेप में है तो इसलिए इसे ग्लास नेक बोलेंगे। और साथ में ये प्लेन कलर का ब्लू कलर का कपड़ा लेकर के इसका फ्लोर बना के और बीच में एक बटन, सुंदर से बटन लगाई है, तो इस तरीके से ये ब्लाउज़ का लुक आता है। बहुत अच्छा लगता है ये भी पहना हुआ, अलग से एक फ्लावर और साथ में इसकी बो नॉट, तो ये बहुत है ना अच्छा सा लुक आता है इसका ब्लाउज़ का। और 3/4 स्लीव्स हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का ब्लाउज़ कलेक्शन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, सब्सक्राइब माय चैनल और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट न्यू कलेक्शन के साथ में। टिल देन बाय बाय।